भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इस समय चालू। सो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयबिंद रुद्रा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता देते हैं, कुछ ही समय के लिए भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहा गया है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का नंबर वन और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहा जाएगा, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340 किलोमीटर है और चांदसराय से NH 56 से स्टार्ट होकर गाजीपुर के हैदरिया गांव में NH 19 पे ख़त्म हो रही है, जो कि वहां से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि मांझी घाट तक जाएगा। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद आप लोग को बताते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जो कि 8 पैकेज में बांटा गया है और जिस लोकेशन से वीडियो शूट कर रहे हैं, या लोकेशन सुल्तानपुर का है, क्योंकि दोस्तों सुल्तानपुर के आसपास के गांव के लोकेशन है कूरे बहार है फैजाबाद, जो कि NH 330 के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो 41 किलोमीटर पड़ेगा, सुल्तानपुर से आपको 47 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा, जो कि दोस्तों आसपास के गाँव का लोकेशन है कूरे बहार, इरूल, फुलौना होते हुए आप डायरेक्ट 300 जो कि MDR 66 है, आप सीधे पीढ़ी की तरफ चले जाएंगे डायरेक्ट अगर आप वो सड़क जाते हैं तो आई होप इस समय हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं वीडियो में कितना परसेंट कार हो चुका है। तो इस समय हम डिवाइडर की बात करते हैं, जो कि डिवाइडर का प्लस व्हाइट पट्टी येल्लो पट्टी का कार हो चुका है, जो कि यहाँ पर बीच में देख सकते हैं डिवाइडर टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है इससे जानने के लिए आप अलग से वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको ये भी बता दें, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से एक्सीडेंट हुआ था, जो कि अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू नहीं हुआ फिर भी एक्सीडेंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधरोपण के लिए गड्ढे कर दिए गए हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 4 तारीख को अनाउंस किया गया है 15 अगस्त से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कम्प्लीट करने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी तेज़ी से झोड़ मारा गया था, ये डंफर द्वारा टूटा हुआ है। दोस्तों ये लाइव वीडियो अगर आपको देखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको लाइव दिखाएंगे, जो कि ये आप डिवाइडर बहुत बुरा तरीके से टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, और जो कि 20 मीटर में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल टोटल कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएँ कब तक चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिशिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है और दोनों साइड डिवाइडर कार पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप पीछे